हेलो ऑल आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना था तो मुझे लगा चलिए अपने कुछ पेंडिंग वर्क कर लूँ तो उसमें सबसे पहले आता है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है थोड़ा सा होम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स होम डेकोर और, और थोड़े मोड़े हैक जो कि मैं अपने छोटे अपार्टमेंट में यूज़ करती हूँ कैसे अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ एंड छोटे छोटे ये जो हैक्स हैं वो मेरे कैसे काम आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है यूटिलाइज योर स्पेस स्मार्टली जी हाँ हमारा अगर छोटा अपार्टमेंट होता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता टू कीप थिंग्स एंड आप जैसा कि देख सकते हैं बेड के पीछे क्या हालात है क्योंकि हमेशा मैं यहाँ की सफाई नहीं कर सकती तो वंस इन अ वीक डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं कुछ सफाई करूँ यहाँ पर एंड यहाँ को इस स्पेस को मैं कैसे यूटिलाइज करती हूँ तो यहाँ पर ना मेरे पास ये हीटर है जो ऑल नो सर्दियों में ही काम आता है तो ये ना मेरा काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा था तो मुझे लगा चलिए इसको ना क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं अपने बेड के पीछे थोड़ा सा अगर आपके पास किसी की हेल्प होना तो प्लीज उनकी हेल्प लीजिए अदरवाइज ना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले एनीवेज तो मैंने इसको ना पीछे एडजस्ट कर दिया है एंड मेरा काफी ज्यादा स्पेस भी बच गया है तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर टाइल्स थी अब इन्हें फेक तो नहीं सकते बट आई हैव टू एडजस्ट इट अगर मैं इन चीजों को सामने रखूंगी तो घर का ना थोड़ा सा ये लुक अच्छा नहीं देते हैं तो इनको छुपा के रखना जब स्पेशली आपके पास स्टोर ना हो तो आपको ऐसी ऐसी जगहें ढूंढनी पड़ती हैं जहाँ पर आप ये चीजें रख सकें क्योंकि अगर ये आपके ना बिल्कुल फेस के सामने रहेगी आपको दिखती रहेंगी ना तो उससे आपको भी चिड़ोगी आपको भी लगेगा अरे ये कितना गंदा लग रहा है तो आपको इसी टाइप के ना छोटे छोटे कॉर्नर ढूंढने पड़े जैसे कि बेड के पीछे या फिर डोर के पीछे अलमीरा के पीछे पर भी आपको इनको छुपाने की जगह मिले डेफिनेटली यूटिलाइजाइज दूसरी चीज जो आपके घर को एकदम से एनहेंस कर सकती है वो है न्यू कर्टन और पुराने कर्टन को इधर से उधर करना तो आज मुझे यही करने का मन किया मेरे पास सिर्फ एक ही ये फैंसी जो होता है ना कर्टन है ये यही वाले जो कि मैंने अमेजोन से लिए थे बट एनी मुझे तो यूज करने ही है बट इस रूम में ना मेरे काफी ज्यादा धूप आती है तो उसका भी दिक्कत है पर मुझे लगा चलो कुछ दिन इसको रखते हैं तो थोड़ा सा न्यू इफेक्ट ये दे देगा पर ट्रस्ट मी इतने छोटे से सिर्फ इन कर्टन से ना पूरे के पूरे रूम को एकदम से चेंज कर लिया एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था चल मॉनसून का मौसम है तो मुझे लगा धूप ज्यादा नहीं थोड़े दिन के लिए चेंज भी हो जाएगा और मुझे भी देखने में अच्छा लगेगा एंड उसके साथ मैंने ये मैक्रे में जो मीशो से लिया था एंड ये फेक प्लांट आप सभी जानते हैं मेरा कितना फेवरेट है तो बस इसे हैंग कर दिया सो so दैट ये थोड़ा सा ना रूम को एनहैंस कर ले और थोड़ा सा ना नया लुक दे वेरी ऑनेस्ट में अभी आपको कुछ नया नहीं दिखा सकती स्पेशली कर्टन में क्योंकि अभी मैं फालतू खर्च करना नहीं चाहती जो भी पुरानी चीज है बस मैं इधर से करके उसे यूज़ करना चाहती इसने मेरी कर ही दी। तो मैं थोड़ी सी इस रूम से निकाले थे वो काफी ज्यादा गंदे हो गए थे मुझे धोने ही धोने थे अब मौसम इतना बिगड़ा हुआ था आई वॉज लाइक क्या करूं अब मैंने इसको धोने के बाद मुझे लगा इतना टाइम नहीं है बारिश होती जा रही है ये कैसे सूखेंगे वॉट आई डेड मैंने डायरेक्टली इनको क्योंकि मशीन में ऑलरेडी वॉश हो चुके थे मैंने डायरेक्टली इनको रॉड पर लगा दिया एंड फैन अच्छे से चला दिया एंड ये वहीं पर सूख गए टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास इतना स्पेस नहीं है अंदर कि अब मैं इनको आराम से सूखने देती तो मैंने ये ट्रिक यूज की एंड इसने मेरी तो काफी हेल्प की एंड डेफिनेटली आपकी भी हेल्प करेगा एंड प्लीज डो लेट मी नो अगर आप भी ऐसा कुछ करें मॉनसून का टाइम है तो मुझे लगा चलिए कुछ ना फ्रेश प्लांट और प्लांटर लाते हैं अगली ट्रिक है वो है एट सम सस्ते प्लांट एंड प्लांटर एट योर प्लेस अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते ना तो ट्रस्ट मी जैसे प्लांट ये होते हैं एरिका पाम हो गया या फिर प्लांटर्स हो गए जो सस्ते आपको आराम से आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे लेके आइए वो आपके घर को काफ़ी ज़्यादा अनहैंस करेंगे तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दो प्लांट्स लेके आई थी जो कि मेरे पर्सनली फेवरेट है एंड ये एलिफेंट वाला तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था एंड ये क्यूट सा जो ये डॉल शेप में ये भी बहुत प्यारा तो ये वाला ना मुझे देखते ही लगा था आई वॉन्ट टू इट एंड ये मुझे आई थिंक उन्होंने कोट किया था फोर बट ये मुझे उन्होंने आराम से दे दिया था ढाई सौ में बट ये काफी ज्यादा यूनिक था तो मुझे लगा डेफिनेटली मुझे लेना चाहिए अगर आपके आसपास भी नर्सरी है ना तो डेफिनेटली वहाँ जाके चेक करिए आप ज्यादा कुछ फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आप बहुत ज्यादा चीजें अपने घर पे नहीं लाना चाहते बट ये आप छोटी छोटी चीजें लाएंगे ना तो एकदम से ये आपके छोटे से स्पेस को एनहैंस कर देगा एंड ये एलिफेंट और ये वाला मुझे प्लांटर सिर्फ हंड्रेड हंड्रेड रुपीज में पड़े थे एंड ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं अगर तो आप अपने स्मॉल स्पेस को या रेंटेड अपार्टमेंट को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एड प्लांट्स और प्लांटर इट मेक्स ह्यूज अफरेंस

बिल्कुल रखना चाहते हैं तो एडिंग आर समथिंग इज वेरी थॉटफुल आप इसे बाथरूम में यूज कर सकते हो किचन में यूज कर सकते हो अपनी अलमीरा में यूज कर सकते हो एंड आई कैन बेट यू ये आपके घर को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखेगा एंड आपको भी पता होगी स्पेसिफिक चीजों की जगह अगर आपका अपार्टमेंट छोटा है या फिर रेंटेड है तो ऐड रीजनेबल स्टॉफ जैसे कि ये है दरी और चटाई आई कैन से सॉरी तो ये चटाई मैंने लोकल मार्केट से ली थी एंड ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से ली थी वन सेवेंटी की एंड ये इतनी ज्यादा ट्रेंडी लगती है आई कांट इवन टेल यू तो आपको इन टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए राधर देन स्पेंडिंग योर सो मच ऑफ मनी वी कैन इन्वेस्ट समथिंग लाइक दिस एंड या मॉनसून के साइड इफेक्ट आप देख ही सकते मेरे पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं अब इनको कहीं पर सकू बट इट ओके बस यहाँ पर फैला के मैंने फैन चलाई कर सकते हो या फिर आप बाहर से ला सकते हो कुछ भी कर सकते हो ये एकदम से ना आपके घर को एनहस कर देता है एंड ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई फ्रेम यूज करेंगे उसके बाद कर नहीं सकते उसके अंदर की पिक्चर्स आप चेंज करते रह सकते हैं एंड उससे ना आपके

आई नीड यूर सपोर्ट कीप सपोर्टिंग एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिएगा स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू